चलिए भाई साहेब, आ जाइए सभी के सभी लोग फटाफट। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वापस से सभी लोगों का स्वागत है भैया। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। सर आज कौन सा चैप्टर होगा बेटा? नाम सामने लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। चैप्टर का नाम है लिमिटेशन एक्ट 1963, और कोशिश ये रहेगी कि आज ही के दिन आपका जो ये चैप्टर है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर ही आपका है, ठीक है। मीन वाइल शायद आपका टेक्स्ट का क्लास जो है वो शायद बीच में ही रुक गया था। उसका कारण ये था कि सूरज सर के यहाँ पे लाइट जो है ना वो अचानक से चली गई। ऑल दो उनके ऑफिस में इन्वर्टर है, बट किसी कारणवश वो घर से आपकी जो क्लास है वो ले रहे थे और सडनली लाइट चली गई, तो उसकी वजह से आपके क्लास में रुकावट जो है वो आ गई। सर शर्ट चेंज, यस साक्षी शर्ट चेंज, क्लास चेंज, शर्ट चेंज। सर कल क्लास रहेगी क्या? रोहन श्रीवास्तव, तुमको ये बोलते हुए शर्म नहीं आई है? कल के दिन एविडेंस एक्ट बोला था बेटा। टॉट वाले के जस्ट सामने वाला जो चैप्टर है ना वो कौन से वाला है? लिमिटेशन वाला है, ठीक है। गलती से अगर मैंने एविडेंस बोल दिया होगा तो माफ कर दीजिएगा। लिमिटेशन की बात जो है वो अपन यहां पर स्टार्ट करते हैं। गॉट द पॉइंट? ठीक है भाई साहेब। चलिए सर, तो फटाफट फटाफट सभी लोग आ जाएंगे और सूरज सर की तरफ से वो पूरी सीएसके इंडिया की हमारी जो टीम है उनकी तरफ से आप सभी लोगों को क्या बोलेंगे, इनकन्वीनियंस के लिए हम सॉरी बोलना चाहेंगे कि टैक्स का जो क्लास है वो आपका बीच में ही रुक गया। बट डोंट वरी, अगली क्लास में सर आपको ये चीज़ को अच्छे तरीके से बता देंगे, राइट गाइस। चलिए सर, और मैं भी आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आज अपनी जो क्लास है ना वो एग्जैक्टली यहाँ पे 45 मिनट्स की ही रहने वाली है, एज मुझे 9:45 पे इमीडिएटली कहीं पे जाना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ पे ज्यादा टाइम पास जो है वो आज अपन नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें जो है वो ज्यादा नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात जो है वो करते हैं कि भाई साहब अगर सी एस कार्ड इंडिया के जो ये एफर्ट्स है ये आपको पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और अगर आपका बोलना होगा नहीं सर टाइम पास करो, सर रात के इतने रात तक के 11-11 बजे तक कोई क्लास पढ़ाता है क्या, ऐसा नहीं होता सर, मेरे को डिसलाइक करना, तो डिसलाइक जो है वो भी आप कर सकते हैं। बट दोनों ही सिचुएशन में इस चैनल को जिसका नाम है सीएस कार्ड इंडिया आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू में जो आपको बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है वो आते रहे। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है सर। चलिए सर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पे हमारे अगले एक्ट के बारे में जिसका नाम क्या है, लिमिटेशन एक्ट 1963। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो बात है आप सभी लोगों के लिए वो ये है कि सर हमने ये पढ़ा होगा कि रेगुलर वाले क्लास के अंदर कि सर ये बोले जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन गाइस ध्यान दीजिएगा कि पहले जब आपका आर्टिकल 370 को एबोलिश कर दिया गया था उसके बाद में तकरीबन 37 ऐसे लॉज थे जिनको जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई कर दिया गया, मतलब होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई कर दिया गया। और फिर उसके बाद में तकरीबन 197 लॉज और इंट्रोड्यूस किए गए जिनको जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई जो है वो कर दिया गया। सो इन टोटल अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं कि JIGL कौन सा सब्जेक्ट भाई साहब, JIGL नाम का जो आपका सब्जेक्ट है इसमें जितने भी लॉज आपके दिए गए हैं, फिर चाहे वो सीपीसी होगा या फिर वो सीआरपीसी होगा या फिर वो लिमिटेशन एक्ट होगा, ब्ला 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 ब्ला, उन सारे के सारे एक्ट को अब अगर आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि वो बोले होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है, पूरे के पूरे कंट्री में एप्लीकेबल ये होता है। ये समझ में आ रहा? ठीक है भाई साहब। चलिए सब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, क्या कहता है सर? बोले यहाँ पे देखिए एक्ट का नाम क्या दिया गया है, लिमिटेशन एक्ट। कब आया था सर? बोले 1963 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और यही एक्ट जो है वो आज भी क्या कर रहा है, कंटिन्यूड चल रहा है। क्या कहता है कि देखिए सर हमने नॉर्मली बचपन में ये पढ़ा था कि सर बोले अगर कोई मान लीजिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाम की जो चीज है वो बोले आपके साथ में हो जाती, या फिर अगर आपने ये कहा कि सर आपके अगेंस्ट में कोई क्राइम नाम की चीज जो है वो बोले अगर कमिट हो जाती है तो आपको सही में अगर उस चीज से तकलीफ हुई होगी आप क्या करोगे, इमीडिएटली एक्शन लेने की बात जो है वो करोगे। कई बार बोले ऐसा हो सकता है कि आप एक्शन लेना चाहते थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह थी, कुछ डिफिकल्टीज वगैरह थी जिसकी वजह से आप टाइम पे एक्शन जो है वो नहीं ले पाए,
तो ऐसे केस में अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, अलग अलग केसेस में आपको बोले टाइम पीरियड दिया गया है 6 महीने से लेकर 12 साल तक, और कई जगह तो 20 ईयर्स तक का, और या 30 ईयर्स तक का टाइम जो है वो भी बोले आपको दिया गया, डिपेंडिंग ऑन केसेस टू केसेस। लेकिन आपने कहा सॉरी सर, जहां 6 महीने का टाइम था मैं वो 6 महीने में केस फाइल नहीं कर पाया, जहां 12 महीने का टाइम था मैं सॉरी 12 साल का टाइम था मैं 12 साल में केस नहीं कर पाया, जहां 20 साल का टाइम था मैं 20 साल में केस नहीं कर पाया, और जहां 30 साल का टाइम था मैं 30 साल में केस नहीं कर पाया, और 30 साल जब खत्म हो गए ना तब मेरे चक्षु जो है वो खुल गए, बोले आंखें खुल गई मेरी, अब बोले केस करना चाहिए। तो यहां पे लॉ कहता है कि सर देखिए बात ऐसी है कि जो घटना आपके साथ हुई है अगर सही में आप उससे हताहत होते, अगर सही में उससे आपको तकलीफ जो है वो हुई होती, तो आपने इतना इंतजार नहीं किया होता, और बोले 1 साल में, 6 महीने में, 15 महीने में, या फिर 2 साल में, 3 साल में आपने केस जो है वो कर दिया होता। बोले आप इतना लेट आ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना तो वो केस आपके लिए सीरियस था, और ना ही आप कोर्ट के लिए, कानून के लिए, या फिर जो जुडिशियल सिस्टम आपको दिया गया है उसके लिए क्या है, सीरियस है। ये समझा सब? पूरे का पूरा कानून जो है ये बोले 2 मैक्सिम्स के ऊपर पूरा का पूरा क्या करता है, बेस करता है सब। कितने मैक्सिम? 2 मैक्सिम्स के ऊपर, ठीक है? हालांकि याद नहीं होते सब, बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट वाले मैक्सिम्स है। क्या कहते हैं? बोले इंटरेस्ट रिपब्लिकिए उट सिट फाइन्स लिटियम। अरे बाप रे बाप। सब बोले रिपब्लिकिए मतलब क्या है, स्टेट, ठीक है, और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। आगे का बोले पता नहीं भाई साहब, ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट टू प्रेस्क्राइब द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग द सूट। सर अगर बोले लॉ जो है ये प्रेस्क्राइब नहीं करता है कि कौन बंदा कितने टाइम पीरियड में केस फाइल कर सकता है, तो इससे बोले जो आपकी जनता है ना उसके साथ में गलत हो सकता है, जो आपकी गवर्नमेंट है ना लोग उसका मजाक उड़ा सकते हैं कि अरे भाई साहब कितने भी साल के बाद में आ जाओ केस कर लो और आपको बोले सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। ये समझा? तो देयर शुड बी लिमिटेशन, पहली बात। दूसरी बात, सब बोले विजिलेंटिबस नॉर डॉर्मेंटिबस जूरा सबवेनियंट। मतलब सर लॉ बोले उसी बंदे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा जो बोले क्या रहेगा, विजिलेंट रहेगा और स्लीपी नहीं रहेगा, जागरूक होना चाहिए भाई साहब आपको। गॉट द पॉइंट? देख लेंगे ना, कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे परसों कर लेंगे, पहले मैं ये वाला काम तो कर लूं उसके बाद अपन केस करने के बारे में सोचेंगे, राइट? अगर आप ऐसा बोल रहे हैं मतलब आप अपने ही केस को लेके सीरियस नहीं है, और आप बोल रहे हो कि केस फाइल करना पड़ेगा, कौन सा केस फाइल करने की बात करो मेरे भाई। गॉट द पॉइंट? तो अगर आप खुद ही विजिलेंट नहीं होगे तो आपको लॉ जो है ना कोई प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करने वाला नहीं है। ये समझ में आया? बोले ठीक है वैसा। तो ये 2 मैक्सिम्स जो है मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनमें से किसी एक के ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो बोले आपको पूछा जा सकता है, ठीक है सर। अगला पॉइंट यहां पर आता है क्या कि सर ऐसा मत समझ के चलिएगा कि लिमिटेशन जो है वो बोले आपके राइट को ही क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ना ना ना, ऐसा नहीं है वैसा। ये क्या करता है? बोले आपको कोर्ट से रेमेडी मिलेगी, इसके ऊपर एक काइंड ऑफ बार मतलब रिस्ट्रिक्शन नाम की जो चीज होती है ना वो लगा दी गई भाई साहब। क्या कहा गया? बोले ये कहा गया कि देखो सर जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है केस फाइल करने के लिए, अगर उतने टाइम पीरियड में आप कोर्ट के पास में केस लेकर नहीं आते हो तो इसके बाद में कोर्ट आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। बट डज इट मीन कि आप आउट ऑफ कोर्ट अपने मैटर को वहां पे सेटल नहीं कर सकते, उसका कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि किसी चीज के लिए आपको बताया गया था कि आपके पास में 3 साल का टाइम पीरियड है क्या करने के लिए, केस फाइल करने के लिए। आपको यह पता चला कि ऑलरेडी उस घटना को होके 4 साल हो चुके हैं, यानी कि जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ था उसको होके 4 साल हो चुके हैं, मतलब आप केस फाइल नहीं कर सकते? बोले नहीं सर, केस तो फाइल नहीं हो सकता, लेकिन 4 साल के बाद में आप यूं ही जिसके अगेंस्ट में आपको केस करना था आप उसके पास में चले गए, उसको जाके आपने बोला यार तूने ना मेरे साथ में बहुत गलत किया, मतलब तूने ना मतलब इंसानियत जो है उसको तार तार कर दिया, भाईचारे नाम की जो चीज होती है ना उसको बोले तूने बदनाम कर दिया, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था तेरे को। सामने वाले को शायद अक्कल आ गई, हो सकता है कि 4 साल पहले उसके पास में पैसा नहीं हुआ करता था जिसकी वजह से उस बंदे ने तुम्हारे साथ में गलत कर दिया, लेकिन अब उसको अपनी चीज पे पछतावा है, तो 4 साल के बाद में जब आपने उसको बोला तो हो सकता है कि वो कोर्ट के बाहर ही बिना कोई केस वेस फाइल के ही ये कहता हो कि यार चिंता मत कर मैं तेरे को तेरा पैसा जो है वो अभी के अभी दे देता हूं, हो गया सेटलमेंट। गॉट द पॉइंट? सर यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या
ऐसा नहीं कहा गया है कि आप अपने राइट जो है उसको बोले कभी ले ही नहीं सकते हो। ये नहीं कहा गया है कि कोर्ट के बाहर सेटलमेंट नहीं किया जा सकता है अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया तो क्या कहा गया सर? बोले ये कहा गया है अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म हो भी जाता है और कोर्ट के बाहर अगर दो पार्टीज के बीच में जिनके बीच में डिस्प्यूट था अगर उनमें सेटलमेंट हो जाता है तो कर लीजिए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यू कैन डू दैट, आप ऐसा कर सकते हैं। ये समझा? बोले ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान से सुनिए सर, अगर मैं यहां बार ऑन लिमिटेशन के बारे में बात करूं तो इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहां पे आपका सेक्शन नंबर 3। क्या कहता है वैसा? बोले सर एनी सूट, सूट मतलब कोई भी केस जो आप फाइल करना चाहते हैं या कोई भी पिटीशन जो आप फाइल करना चाहते हैं या फिर उस पिटीशन का जो रिप्लाई आया होगा, जो ऑर्डर आया होगा उसके अगेंस्ट में अपील करना चाहते हैं और या फिर नॉर्मल एप्लीकेशन जो है वो करना चाहते हैं। इफ मेड बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट नॉट टू प्रोसीड विद सच सूट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द प्लिया ऑफ लिमिटेशन हैज बीन सेटअप इन डिफेंस और नॉट। सर मतलब सामने वाला बंदा जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया गया है वो अपने आप को डिफेंड करे या फिर ना करे, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि अगर सही टाइम पे केस को फाइल नहीं किया जाता है लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद में बिना किसी जस्टिफाइड कारण के, बिना किसी सफिशियंट कॉज के अगर केस फाइल किया जाता है तो आपको उस केस को एक्सेप्ट ही नहीं करना, ये कोर्ट को बोल दिया। और सर कौन से केस के लिए जो आपका जस्टिफाइड कॉज है उसको माना जाना चाहिए, कौन से केस के लिए जस्टिफाइड कॉज को नहीं माना जाना चाहिए, ये बोले टोटली कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से देख लो, सुओ मोटो खुद से डिसाइड करो, ये कोर्ट को बोल दिया गया। ये समझ में आ? बोले ठीक है सर। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन द सर्टेन केसेस। सर कुछ केसेस में आपको टाइम जो है वो एक्सटेंड करके दिया जा सकता है इवन बियॉन्ड द लिमिटेशन पीरियड। इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है क्या, सेक्शन नंबर 5। क्या कहते हैं कि सर आपको बोले सर्टेन केसेस में जहां पे आपके पास में क्या है सफिशिएंट कॉज है आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम जो है वो मिल सकता है। कहां मिलेगा कहां नहीं मिलेगा बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। अगर बोले आप अपील और या फिर एप्लीकेशन के बारे में बात करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा किसकी बात करी गई है, अपील या फिर एप्लीकेशन की बात करी गई है, क्या यहां सूट की बात की गई, क्या क्या यहां पेटिशन फाइल करने की बात की गई, क्या क्या यहां पे कंप्लेंट फाइल करने की बात की गई क्या? बोले नहीं सर, सिर्फ किसकी बात की जा रही है, अपील और एप्लीकेशन की बात की जा रही है। क्या कहते हैं कि सर बोले अपील और एप्लीकेशन को इवन बोले जो लिमिटेशन पीरियड आपका दिया गया है उसके बाद में भी एडमिट किया जा सकता है अगर बोले जो अपील करने वाला या जो एप्लीकेशन देने वाला बंदा है वो क्या करता है, वो बोले कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि सर मेरे पास में जस्टिफाइड कॉज था जिसकी वजह से दिए गए टाइम पीरियड में मैं क्या नहीं कर पाया, अपील जो है वो नहीं कर पाया या एप्लीकेशन जो है वो नहीं दे पाए। ध्यान रखिएगा भाई साहब, क्या बोला मैंने आपको कि ये वाली चीज सूट पे एप्लीकेबल नहीं होती है। सेक्शन नंबर 5 जो है वो सूट्स के बारे में बात नहीं करता है, वो सिर्फ अपील और एप्लीकेशंस के बारे में बात करता है। सर क्यों ऐसा? सर ऐसा इसलिए कि सूट के लिए यूजुअली बोले 3 से लेके 12 साल तक का टाइम जो है वो बोले आपको दिया हुआ रहता है। 3 साल सर, माना कि 6 महीने के लिए आपके पास में सफिशियंट कारण होगा, माना कि 1 साल के लिए आपके पास में सफिशियंट कारण होगा, माना कि 2 साल के लिए आपके पास में सफिशियंट कारण होगा, लेकिन 3 साल हो गए, 3 साल तक आपने उस चीज के ऊपर कोई चीज ध्यान नहीं दी बोले आपने इस चीज के लिए हैं। लेकिन वहीं पे अगर बोले मैं अपील के या एप्लीकेशन के बारे में बात करूं तो यूजुअली उसके लिए 6 महीने तक का ही टाइम जो है वो रहता है। अपील के लिए हर जगह पर ने पढ़ा 37 दिन में अपील करना पड़ेगा, 45 डेज में अपील करना पड़ेगा या 90 डेज में, 60 डेज में अपील जो है वो आपको करना पड़ता है। ये समझा? तो चूंकि अपील और एप्लीकेशन में टाइम कम रहता है इसीलिए अगर आप सफिशियंट कॉज देते हैं तो अपील का टाइम पीरियड जो है वो और बढ़ाया जा सकता है, एप्लीकेशन का टाइम पीरियड जो है वो और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो आपका सूट रहेगा, केस रहेगा, लिटिगेशन होगा या फिर जिसे आप पिटीशन का नाम दे रहे हैं सर, उसको नहीं बढ़ाया जा सकता, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। यह समझ में आया क्या वैसा? बोले ठीक है सर। चलिए अब इसमें इसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है इस पे भी गौर फरमाइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब। क्या कहता है कि सर व्हाट इज द सफिशिएंट कॉज और कौन सी चीज को सफिशिएंट नहीं माना जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? डिपेंड करता सर, अलग अलग टाइप के केसेस जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, उसमें ऑब्जर्व किया गया है बाय द जुडिशियरी। क्या कहा गया? सबसे पहली बात
सर बोले आपका जो हाई कोर्ट था ना उसने क्या कर दिया, रॉन्ग प्रैक्टिस करी, जिसकी वजह से जो बंदा अपील करने वाला था या उसका जो काउंसिल है उसको क्या हुआ, मिसलीड हो गया एंड ही डिड नॉट फाइल द अपील। तो ये बोले एक सफिशियंट कॉज आपका हो सकता है। सर बोले हाई कोर्ट ने बता दिया, अरे नहीं 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 बस जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया, बोले इसके ऊपर आप क्या नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते। सर बोले लॉ में लिखा हो, अरे मैंने बोल दिया ना बात ही खत्म हो गई, लिखा होगा बोले लॉ में, भले ही बोले लॉ में लिखा हुआ होगा लेकिन मैं हाई कोर्ट हूं, मजाक समझ के चल रहा है क्या। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हाई कोर्ट का जो जज है वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये कहना चाहता है कि जो मैंने बोल दिया वही सच है, इसके अलावा कुछ सच नहीं है, राइट। तो अगर ये वाली बात आप सुप्रीम कोर्ट को जाके बताते कि सर हाई कोर्ट ने हमारे साथ में ऐसा किया, ये कोई भी कोर्ट ने, ये समझा ठीक है साहब। फिर इसके बाद में दूसरा, इन सर्टेन केसेस मिस्टेक ऑफ काउंसिल। सर काउंसिल कौन होता है, जो हमारे बिहाफ पे हमारा केस जो है वो बोले कोर्ट के पास में लड़ रहा होता है या हमें चीजों के बारे में बता रहा होता है कि लॉ के हिसाब से हमारा अगला स्टेप जो है वो क्या रहना चाहिए। ध्यान से देखिए क्या कहते हैं, मिस्टेक ऑफ काउंसिल मे बी टेकन इन टू कंसिडरेशन इन कंडोनेशन ऑफ डिले बट सच मिस्टेक मस्ट बी बोनाफाइड। सर मिस्टेक कर दी सर, काउंसिल जो है उसने चीजों में कहीं ना कहीं गलती कर दी, और ऐसा नहीं है कि धोखा करने के हिसाब से गलती करी, ऐसा नहीं है कि कोर्ट के साथ में धोखाधड़ी करने के हिसाब से उसने क्या क्या गलती किया या फिर लॉ के लूप होल्स का फायदा उठाने के हिसाब से वो कुछ कर रहा है। बोनाफाइड होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए वैसा, जानबूझ के गलती नहीं किया सर, वो गुड फेथ में इंटरप्रिटेशन प्रॉपर नहीं हो पाया, मतलब प्रॉपर समझ नहीं आ पाया, और एज द केस में भी ये समझ में, ठीक है। फिर इसके बाद सब ले रॉन्ग एडवाइस गिवन बाय द एडवोकेट कैन गिव राइज टू सफिशियंट कॉज इन द सर्टेन केसेस। सर कई बार ऐसा होता है कि आपका जो केस है वो आ रहा होता है सिविल में लेकिन बता दिया क्रिमिनल में, किसने, एडवोकेट ने, होते सर कई ऐसे, जैसे मतलब कंपनी सेक्रेटरी भी होते हैं जो कि डमी आर्टिकलशिप करके सीएस की डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो ऐसे कई एडवोकेट भी होते हैं रट्टा मार मार के मार मार के मार मार के डिग्री हासिल कर ली लेकिन नॉलेज के नाम पे कुछ ना लिया, उनको खुद को नहीं पता वो क्या एडवाइस करेंगे भाई साहब, राइट। तो अगर एडवोकेट ने जो एडवाइस दिया होगा वो गलत दे दिया तो वो भी एक आपका जस्टिफाइड कारण हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से डिले जो है वो आपको क्या कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टेक ऑफ लॉ इन एस्टेब्लिशिंग और एक्सरसाइजिंग द राइट गिवन बाय द लॉ मे बी कंसिडर्ड एज सफिशियंट कॉज। सर लॉ को इंटरप्रीट करने में थोड़ी बहुत गड़बड़ जो है वो हो गई, अभी ध्यान से सुनिएगा, यहां मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाएगा, ये अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि मिस्टेक ऑफ लॉ जो है उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कहा जाएगा, बट यहां पे हम टाइम जो है ना उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लॉ को इंटरप्रीट करने में हमसे मिस्टेक हो गई इसकी वजह से हम टाइम पे क्या नहीं कर पाए, केस जो है वो बोले फाइल नहीं कर पाए, अंडरस्टूड, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर इग्नोरेंस ऑफ लॉ, अगर आपने लॉ को समझने की कोशिश करी थी आपको वो समझ में नहीं आया था वो अलग बात है, लेकिन आप जो भी लिखा होगा लॉ के अंदर क्या फर्क पड़ता है, चलो बोले केस करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसे क्या कहेंगे, उसे कहा जाएगा इग्नोरेंस ऑफ लॉ, क्या ये चलेगा क्या, नहीं सर ये नहीं चलेगा, दिस विल नॉट बी अलाउड। फिर इसके बाद में अगला, सर बोले इंप्रिजनमेंट ऑफ द पार्टी और द सीरियस इलनेस ऑफ द पार्टी मे बी कंसिडर्ड फॉर द कंडोनेशन ऑफ डिले। इसका एक बहुत ही अच्छा सा केस जो है ना अभी रिसेंटली हुआ, शायद आपने पता नहीं ये चीज को देखा था या नहीं देखा था, बट मैं ट्राई करता हूं यहां पे आपको दिखाने का, ये देखिए भाई साहब रिसेंट वाला ही केस है, मैंने निकाल के रखा हुआ है, क्या कहते हैं, डेस्टिट्यूट मैन सीक्स हेल्प टू एक्सचेंज 65,000 इनवैलिड नोट्स। अरे भाई साहब ये देखिए ये वाले जो नोट्स है कभी देखा आपने जिंदगी में, 500 रुपए के 1,000 रुपए के जो नोट हैं जिंदगी में आपने कभी देखे हैं क्या, अभी रिसेंट की बात है 4-5 दिन पहले की बात है, भाई साहब ने क्या किया, एक पिटीशन फाइल करने के लिए रिक्वेस्ट किया, क्या लिखा है यहाँ पे, 5 years आफ्टर द ओल्ड करेंसी नोट्स वर रेंडर्ड वॉइड अ ब्लाइंड डेस्टिट्यूट मैन इन हिज 70s कैरिंग वैट्स ऑफ द डीमोनेटाइज्ड नोट्स वॉज लेड इन टू द कलेक्ट्रेट बाय अ गुड समेरिटन, ठीक है, चिन्ना कुन कन्नू द मैन हु लेड लाइफ ऑफ द ऑन द स्ट्रीट वॉज ऑन थ्रोज ऑफ वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, कितने पैसे उसके पास में, 65,000, और कितने साल के बाद में है भाई साहब, 5 साल के बाद, 2016 की बात है, 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया गया था, बोले हाँ सर, 1 साल का टाइम जो है वो दिया गया था, ये बोलते हुए मित्रों इस 1 साल के टाइम पीरियड में आपके पास जो भी 500,000 के नोट हैं
उनको आप रिप्लेस करवा सकते हैं, ऐसा बोला गया था। गॉट द पॉइंट। 5 साल के बाद, अरे भाई साहब 5 साल के क्या अलाउड रहेगा क्या ये वाला काम? सो बोले वैसे तो अलाउड नहीं रहेगा, बट सफिशियंट कॉज दिया। सफिशियंट कॉज क्या दिया? यहां पे देखिएगा क्या कहा गया। ही लॉन्ग रन इनवैलिड हर्ड, ये देखिए हम क्या कहता है ये वाले पैराग्राफ में। मिस्टर दिस पर्सन हैड नेवर हर्ड ऑफ डीमोनेटाइजेशन अंटिल दिस संडे। बताओ भाई साहब, व्हेन ही डिस्कवर्ड द करेंसी नोट टोटलिंग 65,000 दैट ही हैड स्टैक्ड अवे एट सम पॉइंट एंड इधर फॉरगॉट अबाउट देम और कुड नॉट फाइंड देम इन टाइम फॉर यूज। बताओ भाई साहब, ठीक है। द मनी वॉज हिज अर्निंग फ्रॉम अ लाइफ ऑन द स्ट्रीट सीकिंग आर्म्स इन द एंड अराउंड हिज वट एवर विलेज। ठीक है, ठीक है भाई साहब। इट इज नीटली रिटन पिटीशन टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बियरिंग हिज थंब इंप्रेशन हिज प्लाइट ऑफ हैविंग लॉस्ट हिज लाइफ अर्निंग बिकॉज ही डिड नॉट नो ऑफ द डीमोनेटाइजेशन दैट नोबडी टोल्ड हिम अबाउट इट। ही वॉन्टेड द कलेक्टर टू कंपनसेट हिम विद द न्यू करेंसी। ठीक है, विद ओनली 300 एज लास्ट ऑफ हिज सेविंग वॉज वरीड अबाउट हाउ वुड ही फाइंड फूड वंस ही रन आउट ऑफ द कैश वगैरह वगैरह वगैरह। और आगे क्या बताया इसने भाई साहब? हाँ ये देखिए, वाइल द पिटिशन वॉज फॉरवर्डेड टू लीड बैंक टू रेफर टू द आरबीआई एन ऑफिशियल सो सेड दैट करेंसी एक्सचेंज वॉज अनलाइकली देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी सिंस एज आरबीआई गाइडलाइन द लास्ट डेट वॉज 31st of March 2017 इट इज नो मोर अ लीगल टेंडर एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सेड। द डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक विल फॉरवर्ड द केस टू द आरबीआई एंड वेट फॉर द रिस्पॉन्ड सेट द बैंक ऑफिशियल। एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि इसने ये क्या बोला, तबीयत मेरी खराब हो गई थी और ऐसी खराब हो गई थी जिसकी वजह से मैं ये चीज के बारे में पता ही नहीं कर पाया। 5 साल हो गए भाई साहब। मेरा ऐसा मानना है कि कहीं किसी इंसान के पास में वो पैसे पड़े होंगे, लाके इस बंदे को दे दिए होंगे भाई साहब कि तू भिखारी के तौर पे है तो अगर ये पैसा तू गवर्नमेंट से ले सके बढ़िया, बोले ऐश करना। ये समझा सर? बोले आप ऐसे ब्लर ब्लर क्यों हो गए? क्योंकि मेरे यहाँ पे भी लाइट जा चुकी है, इस वजह से ऐसा हो गया है। बट द शो विल गो ऑन, डोंट वरी एट ऑल। ठीक छे, चलिए ये समझ में आया क्या मेरे भाई सभी लोगों को? ओके गाइस, लेट्स मूव अहेड, बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। बोले टाइम टेकन फॉर ऑब्टेनिंग द सर्टिफाइड कॉपी। सर नीचे वाले कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था, उस ऑर्डर के अंदर बोले डिक्री वगैरह जो है वो पास कर दी गई थी, लेकिन उसका सर्टिफाइड कॉपी जो है ना वो बोले कोर्ट से लेने में टाइम लग गया। अब ये मैंने तो टाइम बर्बाद नहीं किया, किसने किया? कोर्ट ने किया। मेरी गलती है क्या? मेरी गलती नहीं है सर इसमें। किसकी गलती है सर? कोर्ट की गलती है सर। ये समझा तो कौन जाने? बोले कोर्ट जाने, हम क्या जाने? लेट्स सी लाइट से कुछ यहाँ पे हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, अपने को अच्छे से दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है 7वें वाला पॉइंट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइल ऑफ द केस टू द स्टेट काउंसिल और द पैनल लॉयर इज नो ग्राउंड फॉर द कंडोनेशन ऑफ इन ऑर्डिनेट डिले। सर ध्यान से सुनिएगा क्या बोलता है कि सर जो केस की फाइल है ना वो बोले मिल नहीं रहा है स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल मतलब जो बोले कोर्ट का एडवोकेट रहता है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट का जो वकील रहता है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और या फिर जो भी बोले पैनल लॉयर वगैरह आपका होगा वो क्या कहता है? बोले सर मेरे को फाइल जो है ना वो मिल नहीं रही है, तो इसको ग्राउंड मान के चल सकते हैं क्या? नहीं सर, आप फाइल को प्रॉपर जगह पे रखते, प्रॉपर हिसाब से उस चीज को अगर मेंटेन करते तो ये दिक्कत आती नहीं बोले आज के डेट में। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। अगला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सर अगर कोई ऐसा बंदा है जो लीगली क्या है डिजेबल्ड है तो उस बंदे को कंडोनेशन ऑफ डिले जो है वो मिल सकता है। सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर कौन सा है 8वां जो है वो आपको दिया गया। क्या कहता है वैसा? सबसे पहले अगर मैं 6वें वाले की बात करूं, कहता है अगर कोई बंदा माइनर है, अगर कोई बंदा इंसेन है, अगर कोई बंदा इडियट है। सर कब? जब बोले आपको केस फाइल करना चाहिए था, जब बोले कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज हो चुका था उस दिन। अभी ध्यान से सुनिए, आपके साथ कोई चीज गलत हुई है कब? बोले 23rd of October को।
ये समझा? बोले हाँ सर। मतलब बोले आप क्या कर सकते थे 24th of October को केस कर सकते थे? बोले हाँ सर कर सकते थे। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा है कि 24 तारीख को, 25 तारीख को, 26 तारीख को, अगले हफ्ते में जो एक हफ्ते का टाइम पीरियड आपका है या एक महीने का टाइम पीरियड लगा लो, क्या ये वाले टाइम पे बोले आप माइनर है क्या? बोले हाँ सर कोई बात नहीं, जब आप मेजर हो जाओगे ना तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, केस को फाइल कर सकते हो। या फिर दूसरा सवाल है, क्या ये वाले टाइम पे आप इंसेन है क्या? अगर आपका जवाब आता है कि हाँ सर ये वाले टाइम पे मैं इंसेन हूं, तो बोले जब आप सेन हो जाओगे ना, मतलब जब आपका दिमाग साउंड माइंड का हो जाएगा, जब आप इडियट नहीं रहोगे, तो बोले वो वाले टाइम के बाद में आपका जो डिले रहेगा, मतलब जो लिमिटेशन पीरियड होगा, वो क्या होगा? बोले आपका स्टार्ट होगा, उसके पहले नहीं होगा। ये समझा? बट ये ध्यान से सुनिए। क्या सर? बोले जिस टाइम पे मैं केस फाइल कर सकता था, मतलब जो हमारा अक्टूबर का महीना था, उस टाइम पे जो दिमाग था वो पूरे तरीके से साउंड था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। लेकिन बोले जब नवंबर वाला महीना आया ना, तो दिमाग क्या हो चुका था? अनसाउंड माइंड का हो चुका, तो आपको ये बेनिफिट यहां पे मिलने वाला नहीं है। सर एक बार बोले अगर आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है और बाद में बोले आगे चल के अगर आप इंसेन हो जाते हैं या डिजेबल हो जाते हैं, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपका उसी दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है जिस दिन से जो कॉज ऑफ एक्शन जो है वो बोले आपका राइज हो चुका है। ये कहता है सिंपल तरीके से सेक्शन नंबर कौन सा बेटा? 6 वाला। क्या कहता है? इट अप्लाइज ओनली इफ डिसेबिलिटी एग्जिस्ट एट द टाइम व्हेन द लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट्स। एनी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी जो है उस पे बोले ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ अ पर्सन इज डिसेबल एट द टाइम व्हेन द लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट्स, देन द लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द डिसेबिलिटी सीजेस। समझा? आप माइनर थे, जब आप 18 साल के हो जाओगे उसके बाद से आपका लिमिटेशन पीरियड क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इंसेन थे तो जब कई सालों के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या 3 महीने के बाद जब आप साउंड माइंड के हो जाओगे उसके बाद से आपका लिमिटेशन पीरियड क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, उसके पहले नहीं होगा। ये समझा? ठीक है सब। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ पर्सन सफर फ्रॉम मोर देन वन डिसेबिलिटी। अरे बाप रे बाप, बंदा माइनर भी है और इंसेन भी है। ध्यान से सुनिएगा। बोले सर बोले अक्टूबर वाले महीने में बंदा जो है वो माइनर भी है, लेकिन माइनर होने के साथ साथ में इडियट भी है और या फिर इंसेन भी है, तो क्या कहा जाएगा? पहले इसका वेट करो भाई साहब कि 18 साल का हो गया क्या? बोले हाँ सर हो गया। फिर दूसरा सवाल, क्या ये बंदा सेन हो चुका? बोले नहीं सर। माना कि बंदा 18 साल का हो चुका है लेकिन अभी भी दिमाग जो है वो ठिकाने पर नहीं है, यानी कि पागल है। सर इसका पागलपन कब खत्म हुआ? बोले जब ये बंदा 25 साल का होगा ना तब पागलपन जो है वो खत्म हुआ। तो क्या कहा गया? जब से ये वाली डिसेबिलिटी खत्म होगी तब से इसका जो लिमिटेशन पीरियड रहेगा वो क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। जब आखिरी डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद से लिमिटेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट होगा, उसके पहले से स्टार्ट नहीं होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है साहब। नेक्स्ट, इफ बिफोर वन डिसेबिलिटी सीजेस द पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद द अनदर डिसेबिलिटी। सेम पॉइंट सर। बोले सर अक्टूबर वाले महीने में बंदा क्या था? माइनर था। दूसरा सवाल पूछा, क्या बंदे का दिमाग ठीक है क्या? बोले हाँ सर साउंड माइंड का बंदा है। लेकिन इसके पहले कि ये बंदा 18 साल का होता, इसके पहले ही क्या हो गया? 18वें साल के अंदर ही, मतलब 18वें साल का होने के पहले ही बंदा यहाँ पे इंसेन हो चुका है। तो सर जब तक ये इंसेनिटी खत्म नहीं हो जाती है तब तक क्या आपका लिमिटेशन पीरियड क्या नहीं होगा? स्टार्ट नहीं होगा। कब होगा सर? जब ये लिमिटेशन पीरियड, सॉरी जब ये इंसेनिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद में लिमिटेशन पीरियड क्या हो जाएगा? आपका स्टार्ट हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द पर्सन डाइज बिफोर द डिसेबिलिटी सीजेस, बातें खत्म हो गई, तो क्या होगा? जो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके लिए ये जो पीरियड है ये वापस से स्टार्ट होगा, नए सिरे से ये पीरियड जो है आपका स्टार्ट होने वाला है। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है भाई, सब समझ में आ गई ये वाली बात। फिर इसके बाद में अगला आता है आपका सेक्शन नंबर 6। ये क्या कहता है कि सर बेसिकली केस करने का अधिकार जो था वो बोले जॉइंटली, या तो बोले 2 लोगों के पास था, 3 के पास था, 4 के पास था, 5 के पास था। मान लीजिए छोटा एग्जाम्पल यहां पर अपन लेके चलते कि 2 के पास था, 2 में से 1 बंदा जो है वो कैपेबल था और दूसरा बंदा जो है वो क्या था? इनकैपेबल था। गॉट द पॉइंट? तो सवाल ये पूछा जाएगा कि जो बंदा इनकैपेबल है क्या इसका होना जरूरी है क्या?
क्या इसका केस फाइल करते टाइम पे उसका साइन करना, पेटिशन पे उसका सिग्नेचर होना और वहां कोर्ट के सामने उसका प्रेजेंट होना, क्या ये जरूरी है क्या? अगर आप कहते हैं यस सर इट इज इंपॉर्टेंट, तो जब तक के इसका जो ये इनकैपेसिटी है वो ठीक नहीं हो जाता, डिसेबिलिटी जो है वो खत्म नहीं हो जाती, तब तक के लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। बट अगर आपने कहा कि नहीं सर इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब ये बंदा अगर अपीयर नहीं भी होता है कोर्ट के सामने में तो भी चलेगा, तो इसके होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो चुका है उसी दिन से जो लिमिटेशन पीरियड आपका रहेगा ना वो क्या हो चुका होगा, स्टार्ट हो चुका होगा। सीधी बात, नो बकवास। ये समझ में आया? पढ़ लेते एक बार क्या कहता भाई सब यहां पर। सब ये कहता है वेयर वन ऑफ द सेवरल पर्सन जो कि क्या थे, ज्वाइंटली थे और उनके पास में अधिकार था कि वो क्या कर सकते थे, कोई केस जो है वो फाइल कर सकते थे, कोई एप्लीकेशन जो है वो दे सकते थे, ठीक है। फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री इज अंडर एनी सच डिसेबिलिटी एंड डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ सच पर्सन, मतलब उस बंदे का होना जरूरी नहीं है केस के अंदर, ठीक है। द टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल, सबके अगेंस्ट में टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। बट वेयर नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन टाइम विल नॉट रन अगेंस्ट एनी ऑफ देम अंटिल वन ऑफ देम बिकम्स केपेबल ऑफ गिविंग सच डिस्चार्ज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ अदर और अंटिल द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड। ये समझ में आया भाई साहब? बहुत सिंपल सी बात, क्या कि क्या उस बंदे का जो डिजेबल हो चुका है उसका बोले इस केस में प्रेजेंट रहना जरूरी है, क्या उसका पिटीशन पे साइन करना जरूरी है? अगर जवाब आता है हाँ तो बोले उसके ठीक होने तक रुकना होगा, उसके बाद में ही लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। अगर आपका कहना है कि नहीं सर केस में ऐसा था कि बोले हमने चीजें जो है वो साथ में करी थी, बट अगर एक बंदा भी उसके लिए साइन वाइन कर देता है, पहले से गार्डियन अपॉइंट किया हुआ था सर, पहले से गार्डियन जो है वो अपॉइंट किया हुआ था, पहले से पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो अपॉइंट किया हुआ था, पहले से लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपॉइंट किया हुआ था, बातें खत्म हो गई सर, टेंशन ही नहीं फिर तो कोई। ये कहता है आपका कौन सा सेक्शन बेटा, सेक्शन नंबर 7। और फिर उसके बाद में आता है आपका अगला सेक्शन कौन सा, सेक्शन नंबर 8। ये क्या कहता है ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट सर। क्या बोला गया, एक तो बोले आपने पढ़ा सेक्शन नंबर 6 जिसमें क्या कहता है कि अगर कोई बंदा माइनर है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला गया, अगर कोई बंदा माइनर है तो जब तक के वो बंदा मेजर नहीं हो जाता है तब तक के लिमिटेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। ये समझ में आ गया? हाँ। लेकिन सेक्शन 8 कहता है कि सर अगर बोले आप प्री एम्प्टिव राइट्स के बारे में बात करते हैं, सर प्री एम्प्टिव राइट्स, ये सर पहली बात तो ये बताओ कि एम्प्टिव राइट्स का मतलब क्या होता है। बोले सर बाय करने का अधिकार, कोई भी चीज को बाय करने का अधिकार, ठीक है, या फिर कोई भी चीज को खरीदने का अधिकार। याद है आपको कंपनी लॉ के अंदर, कंपनी एक्ट के अंदर अपने चीज के बारे में पढ़ा है, राइट इशू के बारे में, सेक्शन नंबर 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर ए राइट इशू के बारे में बात करते हैं, उसको क्या कहा गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्री एम्प्टिव राइट, या प्रीएम्प्शन बोल दो भाई सर, प्रीएम्प्शन वाला जो राइट है वो, मतलब सर पहला अधिकार खरीदने का आपके पास में है, उसके बाद में ही ये अधिकार किसी और को दिया जाएगा अगर आपने क्या कर दिया तो, मना कर दिया तो। ये समझा? तो क्या कहा गया कि सर जहां पे आप प्रीएम्प्टिव राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे ये नहीं कहा जाएगा कि माइनर के मेजर होने का इंतजार किया जाए उसके बाद में केस किया जाएगा, ऐसा कुछ होगा। अगर बोले माइनर का जो प्रीएम्प्टिव राइट था, सर मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको यहां पे देता हूं, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर ए, उसने कहा कि मेरे पास में एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को खरीदने का पहला अधिकार जो है वो मिस्टर बी का है, जो कि कौन है, जो कि बोले एक माइनर है, ठीक है। और अगर माइनर जो है वो मना कर देता है तो उसका अगला अधिकार जो होगा वो सी का होगा, जो कि बोले कौन है, जो कि बोले एक मेजर है। अभी ध्यान से सुनिएगा, माइनर जो है वो कहता है मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं, जब तक कि मैं मेजर नहीं हो जाता मैं इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है। बट डज इट मीन कि आप उसके मेजर होने का इंतजार ही नहीं करोगे? और मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने सी के नाम पर प्रॉपर्टी को बेच दिया। भाई साहब ऐसा किया जा सकता है? नहीं सर। अब ये ध्यान से सुनिएगा, क्या अगर ऐसा कांड कर दिया तो मिस्टर बी जो रहेगा उसके पास में इस बात का अधिकार होगा कि वो जाएगा सिंपली कोर्ट के पास में और कोर्ट के पास जाके क्या करेगा, केस फाइल करेगा और क्या कहेगा, सर वो अंकल ने मतलब पहले से डिसाइड किया हुआ था कि अंकल के पास में जो ये प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को खरीदने का जो पहला अधिकार है वो मेरे पास में है।
गॉट द पॉइंट। और उन्होंने क्या किया, मेरे इस अधिकार का खनन करके उस प्रॉपर्टी को किसको बेच दिया, मिस्टर सी को बेच दिया। अंकल ने क्या किया, अंकल ने पूछा बेटा ये बताओ आपकी एज क्या है, बोले अंतल अंतल मेरी एज जो है ना वो 5 साल की एज है। तो ये कोर्ट ने क्या कहा, बेटा एक काम करो, एक काम करो, बोले जब तक के तुम्हारी 13 साल और, गॉट द पॉइंट, मतलब जब तक कि तुम्हारी एज 18 साल की नहीं हो जाती तब तक के बोले तुम केस फाइल ही नहीं कर सकते हो, बाद में आना, बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ये क्या मतलब हुआ, तब तक तो मिस्टर सी जो है वो इस प्रॉपर्टी को एंजॉय भी कर लेगा और बोले उसको मार्केट में जाके बेच भी सकता है, तब तक कैसे होगा, ये तो फटाफट करना पड़ेगा भाई साहब, ये तो फटाफट करना पड़ेगा ना, राइट। तो क्या कहा गया, अगर वो प्री एम्पशन वाला राइट होगा, अगर उसके लिए यहां पे केस किया जा रहा है तो आप ये नहीं कहोगे कि लिमिटेशन पीरियड बाद में स्टार्ट होगा या ऐसा होगा या वैसा होगा, फटाफट यहां पे काम जो है वो बोले किया जा सकता है। इज दिस पॉइंट क्लियर, ध्यान से देखिए यहां पे क्या कहते हैं, बोले सेक्शन 6 में जो भी दिया गया है और सेक्शन 7 में जो भी दिया गया है ये बोले उन सूट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जिसमें कि बोले आप प्री एम्पशन या प्री एम्प्टिव वाले राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सर प्री एम्पशन का मतलब क्या है कि पहले खरीदने का अधिकार आपके पास में है और पहले रिफ्यूज करने का अधिकार जो है वो भी बोले आपके पास में। अगर आपने कहा कि नहीं मुझे परचेज नहीं करना है तभी ये वाली चीज किसी और को दी जाएगी। मूवी देखी है आपने KGF? सर बोले फिर से मूवी, यस बेटा एग्जाम्पल बड़े खतरनाक वाले मिलते हैं। KGF वाली मूवी में जब गरुड़ का बाप मर रहा होता है, ठीक है, तो वहां पे डिस्कशन चल रहा होता है कि अब बोले KGF जो उसको कौन संभालेगा, बोले अधीरा संभालेगा क्या, तो बोले नहीं, अब गरुड़ की तरफ क्या करी, उंगली करी, राइट। तो अधीरा ने क्या बोला, बोले भैया ने जो बोल दिया सो बोल दिया, जब तक के गरुड़ जिंदा रहेगा तब तक के इस प्रॉपर्टी पे जो पहला अधिकार है वो गरुड़ का है और जैसे ही गरुड़ मर जाएगा उसके बाद में मैं देखूंगा मेरे को क्या करना। प्रीएम्प्टिव राइट, अधीरा ने क्या बोला, जब तक के गरुड़ा जिंदा है इस प्रॉपर्टी का अधिकार जो है पूरा का पूरा किसका है, गरुड़ा का है। अगर गरुड़ा कहता है कि नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए मैं छोड़ रहा हूं तो बात खत्म हो गई, बोले भाई साहब तो मैं ले लूंगा, राइट। इसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव वाला राइट, ठीक है सर। अगला देखिएगा, और शेल बी डीम्ड टू एक्सटेंड फॉर मोर देन 3 ईयर्स फ्रॉम द सिजेशन ऑफ डिसेबिलिटी और द डेथ ऑफ द पर्सन अफेक्टेड देयर बाय द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन। ये ध्यान से सुनिएगा। सो बोले यूजुअली हो सकता है कि किसी चीज के लिए कहा गया होगा कि जिस दिन बोले आपका कॉज ऑफ एक्शन आया था ना इसके बाद में बोले आपके पास में 12 साल का टाइम जो है वो दिया गया। बट अगर वो जो चीज के बारे में आप बात करें अगर वो प्री एम्पशन राइट्स वाला होगा तो यहां पे बोला जाएगा क्या कि जब बोले आप मेजर हो चुके हैं, जब आपकी डिसेबिलिटी सीज हो चुकी है तो इसके बाद भले ही वैसे तो बोले आपके पास में 12 साल का टाइम होता है लेकिन यहां पे बोले आपको क्या होगा 3 साल का टाइम जो है ना वही मिलेगा, इसके ऊपर नहीं मिलने वाला। ये समझा, भले ही बाकी जगह पे आपको 12 साल का टाइम दिया गया होगा लेकिन क्या बोला गया, अगर प्री एम्प्टिव वाला राइट है तो आपको बोले जो ये आपकी जो डिसेबिलिटी है वो सीज हो जाती है उसके बाद में मैक्सिमम कितना टाइम मिल पाएगा, 3 साल का ही टाइम मिल पाएगा, इसके ऊपर का टाइम जो है वो आपको नहीं मिल पाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, बोले ठीक है साहब। फिर इसके बाद में अगला आता है आपका क्या, बोले सर सेक्शन नंबर 9 किसकी बात करता है, कंटिन्यूएशन ऑफ रनिंग ऑफ टाइम की बात करता है, वक्त जो है वो बोले चलता रहेगा, बीच में रुकावट जो है वो नहीं आएगी। कब, ध्यान से देखिएगा, सेक्शन नंबर 9 कहता है Where once time has begun to run, limitation period 3 साल का था वो स्टार्ट हो चुका है, 12 साल का था वो स्टार्ट हो चुका है, no subsequent disability or inability to file a case or make application can stop it, नहीं रोक सकता वो, टाइम शुरू हो चुका है तो हो चुका, but where the letter of administration to the estate of a creditor has been granted To his date, ये ध्यान से सुनिएगा क्या कहा गया भाई साहब, बोले सर जब बोले लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट ऑफ क्रेडिटर, गॉट द पॉइंट, मतलब सब बोले जो आपका क्रेडिटर का स्टेट जो है ना बोले उसको संभालने के लिए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इश्यू कर दिया गया है और किसी एडमिनिस्ट्रेटर मतलब चीजों को संभालने के लिए किसी एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर दिया गया, गॉट द पॉइंट, ठीक है भाई साहब। द रनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन फॉर अ सूट टू रिकवर द डेब्ट शैल बी सस्पेंडेड व्हाइल द एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूज,
जब तक कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड चल रहा है तब तक के लिए आपकी जो टिक 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 है लिमिटेशन पीरियड वाली, ये क्या रहेगी भाई साहब, ये बोले वहीं पे रुक जाएगी। ये समझा, ये ध्यान से सीधा सीधा एक ही हिसाब किताब आप यहां पे लगा सकते हो कि सर अगर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इशू कर दिया गया होगा तो जब तक के ये जब तक कि ये वाला टाइम खत्म नहीं हो जाता है, जब तक के बोले ये आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम जो है वो खत्म नहीं हो जाता है, तब तक के आपका जो लिमिटेशन पीरियड का क्लॉक शुरू हो चुका था उसे सस्पेंडेड मान लिया जाएगा और फिर उसके बाद में वो वापस से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये समझ में आया भाई साहब? बोले ठीक है सर, ये समझ में आ गया। चलिए सर, इसके बाद में आगे आपको छोटे छोटे पॉइंट जो है वो दिए गए हैं, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड में क्या क्या चीज आपको देखनी है ये आपको एक बार देख लेना मेरे भाई, ठीक है। डेथ ऑफ पार्टी अगर हो जाती है तो, अगर सामने वाला राइटिंग में एक्नॉलेज कर लेता है तो, ठीक है, ये आपको एक बार देखना है अपने आप से, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये पूरा का पूरा मैं आपको समझा के दूंगा। अगली क्लास जो मंडे को होने वाली है, पूरी एक घंटे की क्लास जो है वो अपन आराम से करेंगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक मैं यहाँ पे आपके भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट आपको आता है तो पहले 10 मिनट्स जो हैं वो अपन क्या करने वाले हैं, डाउट सॉल्विंग ही पूरा का पूरा करेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहब? ये समझ में आया क्या? एंड आई होप कि जितना मैंने आपको अभी पढ़ाया है वो आपको अच्छे से क्या हो गया, समझ में आ गया। जल्दी से बता दीजिए भाई साहब, समझ में आ गया? आर्यन ठाकुर, लव यू टू माई भाई, ठीक है। चलिए यस, ओके रॉकरेश, कल पक्का कर लूंगा, कल संडे है, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, आज मुझे थोड़ा सा यहां पे भागना पड़ेगा, थोड़ा सा अर्जेंट वाला काम है, बट ये आपका होमवर्क है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ईमानदारी से आप, क्या बात है, विरोधी दल वाले आज शायद बोले छुट्टी पे हैं। बढ़िया है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे बाद में, आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसमें कोई डाउट आपको आएगा तो मंडे को अपन क्या करेंगे, इसको अच्छे से कर लेंगे। व्हाट द पॉइंट? तो मिलते हैं मंडे के दिन इंडिया की जीत के साथ।